Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 2, fraction and decimal of class 7. Exercise 2.1 question number 5. Find the parameter of first triangle ABE and second the rectangle BCDE in this figure. Whose parameter is greater? ये हमें figure दी हुई है, इसमें एक ABE, ये एक ABE triangle बना है and BCDE rectangle है. हमें इस triangle और rectangle इन दोनों figures का पैरामीटर फाइंड करना है एंड देन उसके बाद हमें कंपेयर करना है कि किस फिगर का पैरामीटर कम है और किसका ज्यादा है. हमें बताना है व्हिच पैरामीटर इज ग्रेट. सो जिसका पैरामीटर ज्यादा होगा वो हम कंपेयर करके फाइंड करेंगे. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले हम ट्रायंगल का निकालेंगे, ट्रायंगल ए बी ई. इसकी एक साइड क्या है, ए बी. ए बी का मेजर है 5/2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है दूसरी साइड बी ई. बी का मेजर क्या है, 2/3/4 सेंटीमीटर. सो इसको हम, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस करेंगे, नीचे आएगा 4. इस 4 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 3 हम ऐड कर देंगे. ये हो जाएगा 4 × 8 + 3 = 11/4. सो ये क्या हो जाएगा, 11/4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इसकी थर्ड साइड है ए E, ये है 3/3/5 सेंटीमीटर. इसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 प्लस करेंगे, इसमें हम 3, नीचे आएगा 5. ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 + 3 = 18/5. सो ये हो जाएगा 18/5 सेंटीमीटर. अब हम इस ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करेंगे जिसकी तीनों साइड ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं. यहाँ पे करेंगे हम पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई. ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने के लिए हम सिंपल उसकी तीनों साइड को ऐड करेंगे. ये हो जाएगा ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई. तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे, 5/2 + 11/4 + 18/5 सेंटीमीटर. अब तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम इन तीनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तीनों के डिनोमिनेटर हम एक जैसे बनाएंगे. पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5. यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे हम 2, 4 एंड 5. 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 डिवाइड नहीं होगा. दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 1 एंड 5. फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1, 1 एंड 1. सो ऐसे हम क्या होगा, 5 × 2 = 10 एंड 10 × 2 = 20. सो इन तीनों नंबर का एलसीएम आएगा 20. अब हमें इसका बेस एक जैसा करना है. पहले हम 5/2 को चेंज करेंगे, हमें 5/2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि नीचे हमारे पास 20 आ जाए. तो हम क्या करेंगे, इस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 10. हम यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 = 50 एंड 2 × 10 = 20. सो 5/2 को हम क्या लिखेंगे, 50/20. इसमें हम प्लस करेंगे, 11/4 में भी हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि नीचे डिनोमिनेटर 20 आ जाए. 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा. यहाँ पे हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 एंड 4 × 5 = 20 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 55/20. नेक्स्ट है 18/5. इसमें भी हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिसमें नीचे 20 आ जाए. सो 20 को 5 से डिवाइड करने पे आएगा 4. हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 4 = 72 एंड 5 × 4 = 20. सो ये हो जाएगा 72/20 एंड यहाँ पे आएगा तीनों में सेंटीमीटर. अब हम तीनों को ऐड करेंगे, नीचे सिंपल हमारे पास 20 आएगा, ये हो जाएगा 50 + 55 एंड देन + 72. सो ये हो जाएगा 50. यहाँ पे हम तीनों को प्लस करके देखते हैं, 50 + 55 + 72, ये हम रफ वर्क में भी प्लस कर सकते हैं. ये हो जाएगा 0 + 5 = 5, 5 + 2 = 7, 5 + 5 = 10 and 10 + 7 = 7. सो ये हो जाएगा 177/20 सेंटीमीटर. अब क्योंकि हमें इसकी सारी वैल्यू
हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें इसमें आगे जाके कंपेयर भी करना है. सो पैरामीटर हमने कितना निकाला है उस ट्राइंगल का, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू 177/20 cm. अब हम फाइंड करेंगे इसमें जो नीचे हमारे पास एक रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. सो लेंथ कितनी है इसकी, एल होगी 2, 3/4 cm. इसको हम चेंज करेंगे, 4 × 2 + 3/4 ये हो जाएगा 8, 4 × 8, 8 + 3 = 11/4. सो ये हो जाएगा 11/4 cm. एंड ब्रेथ देखें, ब्रेथ कितनी है, 7/6 cm. ये ऑलरेडी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दी है. अब हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे. ये हो जाएगा 2 × 11/4 + 7/6 cm. अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है तो हम दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे बनाएंगे. इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए पहले हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 and 6. 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 1 and 3. उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 1 and 1. सो एलसीएम क्या होगा, 3 × 2 = 6 and 6 × 2 = 12. अब हम इन सारे नंबर्स में नीचे, इन दोनों नंबर्स में नीचे 12 बनाएंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, 11/4 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे हमारा 12 आ जाए. तो 12 को 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3. तो हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 11 × 3 = 33. ऐसे ही हम 7 को चेंज करेंगे, 7/6 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर से कि नीचे 12 आ जाए. 12 को 6 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 2. तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 14/12. अब हम यहाँ पे 11/4 की जगह रखेंगे 33/12 एंड 7/6 की जगह रखेंगे हम 14/12. ये हो जाएगा 2 × 33/12 + 14/12. 2 × नीचे 12 हम ऐसे ले लेंगे, 33 + 14. 33 में हम 14 प्लस करेंगे, हो जाएगा 4 + 3 = 7 एंड 3 + 1 = 4. तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा हमारे पास, 47. ये हो जाएगा 2 × 47/12. इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे. अब हम देखेंगे क्या ऊपर नीचे कोई नंबर एक दूसरे से कट सकते हैं. यस, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12. ये हो जाएगा 47/6. सो रेक्टेंगल का पैरामीटर हमारा कितना आएगा, 47/6. अब हम ट्राइंगल के पैरामीटर और रेक्टेंगल के पैरामीटर को कंपेयर करेंगे. सो अब हम यहां देखेंगे ट्राइंगल का पैरामीटर हमारे पास कितना है, 177/20 cm. एंड रेक्टेंगल के पैरामीटर हमारे पास कितना है, 47/6 cm. अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है कि किसका पैरामीटर ज्यादा है किसका कम है. कंपेयर करने के लिए हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए. अब क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो अब हमें क्या करना होगा, दोनों की डिनोमिनेटर हम फिर से चेंज करेंगे. सो चेंज करना स्टार्ट करते हैं. एलसीएम करेंगे हम, एलसीएम ऑफ 20 and 6. 20 का और 6 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, 26. 2 से डिवाइड करा 10, 3. फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, 3. फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, 1. देन 5 से डिवाइड करेंगे 1 and 1.
मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 15 2 30 एंड 30 2 60, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6 0 60। नाउ अब हम इन दोनों नंबर्स को चेंज करेंगे, 177 अपॉन 20 को हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे नीचे हमारा 60 आ जाए। तो सिंपल हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 177 को और 20 को हम दोनों नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। 177 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 531। ऐसे ही अब हम 47 अपॉन 6 को भी चेंज करेंगे, नीचे 60 लाना है तो सिंपल यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 470 अपॉन 60। अब हमें कंपेयर किसमें करना है, 431 अपॉन 60 एंड 470 अपॉन 60। दोनों का डिनोमिनेटर तो एक जैसा है, नीचे वाला नंबर तो दोनों का एक जैसा है, तो अब सिंपल हम ऊपर वाले नंबर को देखेंगे। जो नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पूरा नंबर हमारा बड़ा होगा, 531 जो है वो 471 से बड़ा होगा, क्योंकि 5 बड़ा होता है 4 छोटा होता है, दैट मीन्स कि 500 वाला नंबर बड़ा होगा। सो ये जो हमारा 531 है, 531 अपॉन 60 जो है ये नंबर हमारा बड़ा है। 531 अपॉन 60 किसका नंबर है, 177 अपॉन 20। 177 अपॉन 20 किसका पैरामीटर है, ट्राइंगल का। सो ये हो जाएगा द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल is greater than the parameter of rectangle। ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो रेक्टेंगल के पैरामीटर से ज्यादा है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5 एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माई चैनल।